हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नविश गार्डन में। दोस्तों, आज हम यह वीडियो लेकर के आए हैं, मॉनसून से पहले हम पौधों की केयर किस प्रकार से करें। जी हाँ दोस्तों, अब ये बारिश का समय है और इस बारिश के टाइम पर हमारे पौधों में बहुत सारे जो है बदलाव होते हैं, और जब मौसम बदलता है तो पौधों में भी बदलाव आते हैं दोस्तों। और इस टाइम पर हमको किस प्रकार से केयर करनी चाहिए और अपने पौधों को किस प्रकार से बचाना चाहिए दोस्तों, इसमें पौधे मर भी जाते हैं और पौधों में ग्रोथ भी होती है, दोनों टाइप जो है इस टाइम पर हो जाते हैं। तो आज हम एक एक पौधे के बारे में जितने हमसे कवर हो सकेंगे हम जानेंगे कि पौधों को किस तरीके से हम मॉनसून में देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडोर प्लांट्स की, यानी कि जिन पौधों को हम छाया में रखते हैं उनकी देखभाल कैसे करें। दोस्तों, आपके पास ज़रूर ऐसे पौधे ज़रूर होंगे जिनको आप छाया में रखते हैं। देखिए, मेरे पास ये जो जितना भी कलेक्शन है, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पौधे छाया में रखे हुए हैं। और बारिश में इनके अंदर हमको क्या करना होगा, सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों वो तो ये है कि इनके अंदर अब हमको पानी देना जो है बिल्कुल कम कर देना होगा। जिन दिनों में बारिश होती है तो पानी बहुत कम देना है, और इतना ही देना है कि जिसमें नमी बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे और ज़्यादा पानी जो है वो बाहर ना जाए। जैसे कि देखिए, ये मिट्टी इस तरीके की है, आपको इसी प्रकार की मिट्टी बना करके रखनी है, ड्राई ड्राई सी मिट्टी रखनी है जैसे कि इसकी है इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा, अगर बारिश होगी तो जो नमी है वो पौधे में ज़्यादा नहीं बनेगी और पौधे के अंदर ओवर वाटरिंग का सिस्टम नहीं होगा और पौधा मरेगा नहीं दोस्तों। दूसरा, हमको इस टाइम पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। एक फर्टिलाइज़र इस टाइम पर आपको ज़रूर देना है। वो फर्टिलाइज़र आप जो है वो लिक्विड भी दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड के साथ साथ जो है ठोस फर्टिलाइज़र भी हमको डालना होगा, जैसे कि काउ डंग कंपोस्ट हम डाल सकते हैं इस टाइम पर, या फिर इस टाइम पर हम जो है वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। एक एक मुट्ठी हमारे सभी गमलों के अंदर हमको डालनी होगी। अगर हमारे पास 12 इंच का पोट है, इस तरीके का 12 इंच का पोट है, तो उसके अंदर हम एक मुट्ठी डाल देंगे, या फिर हमारे पास अगर बड़ा पोट है कोई इस तरीके का बड़ा पोट है तो उसके अंदर हम दो मुट्ठी यूज कर लेंगे। अगर बोनसाई टाइप है हमारे पास तो उसके अंदर तीन मुट्ठी तक भी हम डाल सकते हैं दोस्तों। तो क्वांटिटी का आप ध्यान रखें और अपने सभी पौधों के अंदर एक बार बारिश से पहले फर्टिलाइज़र ज़रूर डाल दें, ताकि पौधे को जो न्यूट्रिशंस है वो लगातार मिलता रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी बरसेगा उतना ज़्यादा ही पौधे के अंदर से पानी होकर के गुजरेगा, और पौधा जो है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस के अंदर आएगा तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है दोस्तों, अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं तो। बाकी बारिश के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और बारिश के पानी से भी पौधों के अंदर ग्रोथ होती है दोस्तों। दूसरा, हमको जो तीसरी बात याद रखनी है दोस्तों, वो है मिट्टी कैसी हमको अब इस टाइम पर रखनी है। तो मिट्टी आप अपने पौधों के अंदर वेल ड्रेन सोइल ही यूज करें, जिसके अंदर एक हिस्सा काउ डंग कंपोस्ट हो, एक हिस्सा गार्डन की सोइल हो, या फिर रेत हो, या एक हिस्सा जो है दोस्तों वो बजरी का हो, यानी कि कंकर का हो, छोटे छोटे बारीक बारीक क्रेशर जिसको बोलते हैं, कंक्रीट जिसको बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शंस की शॉप के अंदर आसानी से मिल जाता है, उसका हम मिश्रण बना करके पौधों को लगाएंगे तो पौधे बड़े ही अच्छे चलेंगे और पौधों के अंदर ग्रोथ भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगी और उसमें पानी भी नहीं रुकेगा। उसके बाद दोस्तों, आप अपने सभी पौधों को बारिश के अंदर उनका ड्रेनेज होल चेक कर लें एक बार, क्योंकि पूरा साल जब बारिश नहीं होती है तो ड्रेनेज होल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं दोस्तों, नीचे से मिट्टी फंस जाती है उनके अंदर और पानी बाहर नहीं जा पाता है। तो आप किस सभी गमलों का एक बार ड्रेनेज होल चेक कर लें। गमलों को इस तरीके से यूँ टेढ़ा करके, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके, और नीचे से जो इसके होल होते हैं दोस्तों, उन होल्स को आप किसी भी पेचकस की सहायता से या किसी भी तरीके से उनको खोल लें, ताकि पानी उनके अंदर से चलता रहे। और इसके अलावा दोस्तों, जितने भी आपके इंडोर प्लांट हैं उन सभी को आप आउटडोर रख लें, लेकिन अगर आपने नेट के नीचे रखे हों तो वहीं पड़े रहने दें दोस्तों। अगर आपने किसी बालकनी वगैरह में रखे हुए हैं तो उनको बाहर रख लें, उनको बाहर रखने से उनके अंदर ग्रोथ हो जाएगी दोस्तों, और उनको एक प्रॉपर जो है वो एटमोसफेयर मिलेगा, एक वातावरण ऐसा मिलेगा जिसके अंदर उनके अंदर ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं, देखिए गुलदाउदी का पौधा दोस्तों, इतनी गर्मी में यहाँ मेरे यहाँ 45 तक टेम्परेचर चला गया था, लेकिन फिर भी ये पौधा मरा नहीं। देखिए किस तरीके से मैंने इसको बचा करके रखा हुआ है, और अब तो ये बारिश लगने के बाद इसके अंदर दोबारा से फुटाव स्टार्ट हो जाएगा, और सर्दियों में जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी उससे पहले ही इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो लास्ट ईयर के जितने भी पौधे हैं सारे मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, और उसमें से ये देखिए मोगरा के ऊपर कितने अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे फूल आए हुए हैं दोस्तों, फूल फूलों से भरा हुआ है। ये
ये देखिए हाइबिस्कस जो अलग वैरायटी का है, और ये बुगनविला, बुगनविला के ऊपर भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं कितनी सारी फ्लावरिंग हुई दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने अपने सभी पौधों को बड़े ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, और वही चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी उन्हीं तरीके से उन्हीं पैटर्न्स के साथ अपने पौधों को बचा सकें और उनकी केयर कर सकें। ये देखिए मेरे सारे पौधे जो हैं बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों जो आउटडोर प्लांट हैं उनके अंदर ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है यूं के यूं बाहर के बाहर रहने दीजिएगा, और उनके अंदर फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिए। फर्टिलाइज़र के अलावा उनके अंदर जो है दोस्तों पानी का उनके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें आप, पानी जो इंडोर प्लांट है उनके अंदर कम दें, लेकिन आउटडोर प्लांट को रेगुलर पानी देते रहें। जब भी उसको नीड हो पानी आप ज़रूर दें। इंडोर के अंदर अगर आपको यूँ लगता है कि बारिश 2-3 दिन तक रहने वाली है तो उसके अंदर पानी ना दें, ताकि वो उसकी जड़ें जो हैं वो दोस्तों गले नहीं, सड़े नहीं, और पौधा आपका मरे नहीं। इसके अलावा आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको किसी भी पौधे के बारे में कोई जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, केयर किस तरीके से करनी है, सारी बातें जो है आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेंगी। मैंने हर एक पौधे के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, आप उन वीडियोज़ के सहारे अपने पौधों को केयर कर सकते हैं। हर टाइप के पौधे की केयर मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।